कुछ महीनों पहले दक्षिण गुजरात में हुई वसीम बेला की सनसनीखेज हत्या का आरोपी अब तक फरार। वारदात को 7 महीने होने के बावजूद पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने में है नाकामयाब। सूरत की डायमंड मार्केट पर लगा कोरोना का ग्रहण अब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। बाजार में 70% व्यापारी और दलाल काम पर लौटे, साथ ही रफ डायमंड की शॉर्टेजेस के चलते भाव में हुई 10% की बढ़ोतरी। सूरत शहर में तीसरी बार खाड़ी ओवरफ्लो होने से बाढ़ का भय अभी भी बना है। मनपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा इस मुश्किल से निजात। बारिश और खाड़ी के उफान से सनिया हेमाद गांव हुआ पानी पानी, तो गांव के लोगों ने रास्ते पर बैठकर किया विरोध। सूरत के कतारगाम इलाके में जनता राज्य की सरकार विरुद्ध लगे बैनर, लोगों में दिखा काफी रोष। सूरत स्टेशन के लाल दरवाजा इलाके की तरफ बैरिकेड लगने से लोगों को हो रही है परेशानी, स्थानिकों ने बैरिकेड खोलने की मांग। हूँ परेश जैन, सुमुलेरी रोड पर अमारो रहेवानो पण छे अने अमारो धंधो भी आज रोड पर छे। हवे आ रस्तो बंद करवा करेल होवाथी काले शांति, हवे हमारे अहीं वराछाथी आवू होय तो अमारे आखू फरीने आवू पड़े छे। अहींयाथी दिल्ली गेट जवू पड़े छे, दिल्ली गेट थी अमारे लाल दरवाजा ने त्यांथी अमारे अहींया सुधी आवू पड़े छे। अने आ आखो एरियो डॉक्टर हाउस अने बधा एम्ब्युलेंस बधी ने अहींया ओछामां ओछा 5-6 सीटी स्कैन आवेला छे, એટલે અહીંયા એમ્બ્યુલન્સ દર 5-10 મિનિટે આ રોડ પરથી એમ્બ્યુલન્સ આવે છે અને એને લીધે આ રોડ બંધ કરેલો, તો આ એમ્બ્યુલન્સવાળા દિલ્હી ગેટથી ફરીને લાલ દરવાજાથી આવે તો કેટલું એને હેરાન ગતિ થાય છે તે વિચારો। અને બીજી વાત, સાંજે ઓછામાં ઓછા 50-60 દૂધના ટેન્કર અહીંયા આ રોડથી આવે છે અને આ બધા ટેન્કર રેલવે સ્ટેશન થઈને દિલ્હી ગેટ જશે, તો રેલવે સ્ટેશન પર આ બધા ટેન્કર રેલવે સ્ટેશન પર બધા ટેન્કર ટ્રાફિક જામ કરશે। शहर पर हुए मेघराजा मेहरबान, साथ ही उकाई डैम से पानी छोड़े जाने से तापी नदी में बढ़ा पानी का स्तर, जिसके चलते अड़ाजन रिवर फ्रंट समेत आसपास के कई निचले इलाकों में घुसा पानी। सूरत में पिछले रोज तेज हवा के साथ हुई बारिश, कई जगह पर वृक्ष हुए धराशायी। जहां वराछा में गीतांजलि चारस्ता के पास एक बड़ा वृक्ष धराशय हुआ तो लोगों के लिए रास्ता हुआ ब्लॉक, वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से रास्ते को फिर से खुला किया गया।